बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये बाबा मोड़ के करीब साफ पानी की लाइन पटी हुई है और इससे मुसलसल पानी जो है वो बह रहा है और यहाँ कोई पूछने वाला नहीं है और यहाँ रक्षे धुल रहे हैं। रात के 11:30 का टाइम है और यहाँ पे रक्षे धुल रहे हैं और ये सब काम हो रहा है यहाँ पे। और ये देखें आप, ये सब देखिए, ये सब पानी पानी हुआ हुआ है और ये साफ पानी है, इस पर हम चल रहे हैं बकायदा। ये साफ पानी है और कोई पूछने वाला नहीं है। वैसे हम 1400 अरब जमा कर रहे हैं डैम के लिए और साफ पानी को बचाने का हमारे पास कोई इंतजाम नहीं है। और ये देखें, ये दूर तक अभी हम आपको दिखाते हैं, ये दूर तक ये पानी, रात का टाइम है इसलिए व्यू थोड़ा कम नजर आएगा लेकिन पानी के अंदर से आपको दिखाएंगे। और ये देखें आप, ये रक्षे माशाल्लाह धुल रहे हैं, साफ पानी से धुल रहे हैं रक्षे। और ये देखिए, आपको साफ नजर आ रहा होगा ये सब पानी। और ये देखें, ये कितनी दूर तक ये साफ पानी जा रहा है और यहाँ कोई पूछने वाला नहीं है। ये मुसलसल पानी बह रहा है और यहाँ कोई पूछने वाला नहीं है। ये आप देखेंगे, मेन रोड है, मेन रोड के ऊपर पानी बह रहा है और कोई देखने वाला नहीं है। खवातीन ये देखें, एक साहब जा रहे हैं बेचारे, ये पत्थरों पे चल के रोड क्रॉस कर रहे हैं, खवातीन है, बच्चों के स्कूल के सामने रोड क्रॉस करके जाना होता है ना। बच्चे परेशान, उनके पेरेंट्स परेशान, बूढ़े नमाजों के लिए जाएंगे, मस्जिद जाएंगे तो कहाँ से जाएंगे। ये सब आपको पानी चमकता हुआ नजर आ रहा होगा, बाबा मोड़ से लेके अलमीद स्कूल नॉर्थ कराची, पूरा ये इलाका है और यहाँ पर कोई पूछने वाला नहीं है। हमने अपनी MQM की क़यादत को वोट दिए थे और हमारे MNA भी शायद यहाँ के MQM से हैं, MPA भी MQM से हैं और उनको तो शायद अभी तक पता ही नहीं चला होगा क्योंकि वो तो अपने राबता कमेटी के मामलात में मसरूफ़ होते हैं, तो उनको तो पता चलता ही नहीं है भाई। बहरहाल अभी ये जो है आप देख लें, सब ये पानी मुसलसल बह रहा है और ये साफ पानी है, चमक रहा है, साफ पानी है, ये साफ पानी बह रहा है। अब हमारे चीफ जस्टिस साहब बेचारे रिटायर होने वाले हैं लेकिन उनकी कोशिश थी कि डैम बन जाए और हम इतने नाहल हैं कि हम साफ पानी को भी नहीं सेव कर पा रहे। ये मुसलसल, ये देखें आप, ये साफ पानी है, ये साफ पानी, मुसलसल साफ पानी बह रहा है और ये आज से नहीं है। ये हमारे यहाँ तो जब साफ पानी आता है ये इसी तरह होता है, हफ्ते में 6 दिन हमारे यहाँ पानी बहता है और ये अब लाइन फट गई है तो अब ये पता नहीं कितने दिन तक बहेगा, पता नहीं कितने दिन तक ये पानी इसी तरह बहता रहेगा। रोड हमारे बेकार हो गए, टूट फूट के शिकार हो गए, बर्बाद हो गए। और ये देखें मुसलसल, वीडियो लंबी होती जा रही है लेकिन ये पानी खत्म होने का नाम नहीं ले रहा है। आप खुद देख लें हमारे रोडों के क्या हाल हुए हैं, देख लें आप खुद देखें। पाइपलाइन पड़ी है, नाले से पानी बाहर आ रहा है, सारा पानी मुसलसल बह रहा है। हमारी दरखास्त है, हमारी जो कयादत यहाँ से जीती थी वो खुदारा जिस तरह आते थे, आए आके अपने सामने खड़े होकर काम कराएं और इसका पक्का इंतजाम कराएं, जोड़ तोड़ ना करा के जाएं कि एक हफ्ते के बाद दोबारा पड़ जाए, जोड़ तोड़ ना कराएं। वो नहीं करा सकते क्योंकि उनके पास तो इख्तियार ही नहीं है, अगर वो नहीं करा सकते तो फिर हमारे सिंध के जो लोग हैं, जो हमारे सूबे से जीते हैं, क्योंकि कराची तो सिंध में आता है, तो सिंध वाले आ जाएं। वो भी नहीं करा सकते तो विफाक वाले कुछ देखें इसके ऊपर, क्योंकि ये साफ पानी बह रहा है, गटर का पानी नहीं है, साफ पानी है और ये साफ पानी पूरे पाकिस्तान को चाहिए। ये साफ पानी बह रहा है और ये मुसलसल साफ पानी ही बह रहा है, तो अगर वो खुदा रहा इसका नोटिस ले लें तो उनकी बड़ी मेहरबानी होगी। बहुत दूर तक जा रहा है, वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी, तो खुदा के लिए इसके ऊपर नोटिस लें, इसके ऊपर काम करें, बड़ी मेहरबानी, बहुत शुक्रिया।